नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश 981 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियोस को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए और हमसे डायरेक्ट जुड़िए। साथ ही दोस्तों, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों 12 लेटर वाले वर्ड जो कि एल शुरू हो रहे हैं वो देखने वाले हैं आप। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बेसिक बात हो जाएगी, अगर बेसिक ही नहीं जानेंगे तो इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। अगर कोई वर्ड मीनिंग है तो उस वर्ड मीनिंग को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो अल्फ़ाबेट को आपको सीखना होगा कि अल्फ़ाबेट का उच्चारण क्या होता है। देखिए अल्फ़ाबेट का संख्या जो है, अल्फ़ाबेट में एक्चुअली जो लेटर्स होते हैं उसकी संख्या है 26 है। लेकिन यही 26 लेटर जो है उसको बुलाने का अलग अलग तरीका है 64। अगर एक भी आप गलती कर बैठते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस वर्ड्स को नहीं पढ़ पाएंगे। साथ ही कुछ और भी एक्सेप्शन होते हैं पढ़ने के लिए, उसको भी देखना होगा। तो पैटर्न को समझिए। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये 5 भॉवेल है, देखिए भॉवेल की संख्या 5 है, आपको पता है डबल ओ के साथ एक और बढ़ा लीजिए उच्चारण करने का तरीका। और इसके साथ अगर उच्चारण करने की बात की जाए तो उच्चारण जो है कुल 23 तरह से उच्चारण हो रहा है, यानी कि 5 भॉवेल है लेकिन संख्या जो है उच्चारण करने का 23 है, कहीं अधिक है। अब जो 21 जो बचता है हमारा कॉन्सोनेंट का, उसका भी उच्चारण करने का कुल तरीका जो है 41 है। दोनों को मिलाकर 64 हो जाता है। लेकिन वर्णमाला की, अगर अल्फ़ाबेट क्या वर्णमाला है, क्या वर्णमाला अल्फ़ाबेट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वैसे ही ना वोवेल स्वर है, ना स्वर वोवेल है, ना व्यंजन व्यंजन कॉन्सोनेंट है, ना कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो ये क्या है, तो हिंदी व्याकरण में जो है वर्णमाला है। और देखिए ये जाहिर सी बात है, ये अंग्रेज जब आए थे तब उनके पास था ये, और ये इंडिया में पहले से था, वर्णमाला था। अब वर्णमाला जो है यहाँ जो बोली जा रही थी भाषा हिंदी उसके अनुसार था, और जो वहाँ अलग। जब वो आए तो समागम, मतलब अब उनको चाहिए था भाई कि यहाँ पर राज करें यहाँ पर, तो जो वर्ड्स हैं जो हिंदी के शब्द हैं उसको कैसे इंग्लिश में वो लिख पाते। अब ऐसा तो नहीं कि वो आते डायरेक्ट लिख लेते। होता था क्या कि शुरू शुरू में जब प्यार करते थे वो लोग, तो एक द्विभाषी होता था और वो डिक्शनरी खोल खोल कर उसका, या किसी जहाँ भी वो जाते थे, क्योंकि इंडिया तो विविधताओं से भरा हुआ है, तो वहाँ के लैंग्वेज को वो द्विभाषी जो है पढ़कर बताता था, समझाता था, एक दूसरे को बोलता था। तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसी चीज़ को जो द्विभाषी था उसको हटाने के लिए वर्णमाला को ही उन्होंने अंग्रेजी में बदल दिया। जैसा कि जो जहाँ जो भी शासक रहता है अपने अनुसार ढाल देता है, वैसे ही उन्होंने भी वर्णमाला को ही बदल दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई सब कुछ बदल गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा आज हमें ही है, और चूंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से सब कुछ इंग्लिश में होते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट की जो जाहिर सी बात है आदेश भी पारित होते हैं या जो भी है, कहीं ना कहीं संविधान के अनुसार इंग्लिश में ही होते हैं। मोबाइल देखिए, सोशल मीडिया देखिए, सब जगह इंग्लिश ही भरमार है, क्योंकि ये सब जितने भी आप साइट से यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के, सब बाहरी विदेशी है, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में होगी। हिंदी है तो हिंदी क्लिष्ट है, जो कि हम लोग की समझ से ऊपर है। तो चलिए फिर भी समझ ही लेते हैं हम लोग, अपनी भाषा है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा ईजी लगती है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको अच्छा से याद रखना होगा कि स्वर की जो संख्या है वो 14 है, और ये इसका अंग्रेजी याद रखना होगा। व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, ये इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले तेजी में वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला का स्वर यहाँ पर देखिए, अ को क्या बोलते हैं, अ का अंग्रेजी हो जाएगा ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी का आई बड़ी का डबल ई, उ का यू बड़ी यू का डबल ओ, री का आ रहा है बड़ी री का आ डबल ई, उसका ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आ का एच, जो तीन है लास्ट का तीन जो है आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि इसी में लोग हमेशा याद करते समय भूल जाते हैं। याद करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए मात्रा चिन्ह क्या होता है, मात्रा चिन्ह को भी याद रखना होगा, और इस मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी भी याद रखना होगा। जैसे एक ही बात है कि अ का कोई मात्रा मतलब चिन्ह नहीं होता तो ए लिखेंगे, आकार का एक डंटा जो कि यहाँ दिख रहा है, छोटी कर का ये वाला मात्रा चिन्ह तो बड़ी कर का ये, आपको ये पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं बता दूँ इसका इंग्लिश आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इरी का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया, नहीं तो दिक्कत ये होगी कि जब आप हिंदी से अंग्रेजी करने बैठेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो लगेगा। अगर इतना भी सीख जाते तो आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश मुझे आता है। तो ये सब अच्छे से याद रखिए मात्रा चिन्ह। जैसे मैं लिख दूँ कि भाई लिखना है संज्ञान, ठीक है, संज्ञान मैंने लिखा, इसका अंग्रेजी लिख रहा है, तो आपको पता होगा ना कि अन, अन का क्या होता है तो एन होता है एन, और आ का क्या होता है तो डबल ए या सिंगल ए, लेकिन ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। या आप देखेंगे कि लिखते हैं इस तरह से सीता, ठीक है सीता, लेकिन अक्सर अब जो है पैटर्न बदल रहा है, लोग समझदार हो गए हैं
तो डबल ई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जानते हैं सीता के लिए एस आई टी ए होता है, यानी बड़ी ई के जगह बड़ी ई जो लिखा हुआ है उसका इंग्लिश तो ई डबल ई होगा, लेकिन छोटी ई का अंग्रेजी आई को ले लिया गया है। ये चीज़ है, बड़ी ऊ के जगह भी बड़ी ऊ का अंग्रेजी डबल होगा लेकिन छोटी ऊ यू ले। जैसे आप लिखते हैं सूरज लिखते हैं, मान लीजिए सूरज लिखते हैं तो क्या करते हैं, डबल ओ नहीं करते हैं, आप करते हैं एस यू आर ए जे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जी है, इस चीज़ को अभी धीरे धीरे समाप्त करना होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने अपनी सहजता के अनुसार अपने लाइफ के लिए बहुत सारा उन्होंने बदलाव किया। तो बदलाव जो किया, अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल अपने एक देश का एक राज्य पंजाब का ही ले लेता हूँ। पंजाब क्या है नाम, पी यू एन और जे ए बी, अब बताइए कहाँ से भाई आपको नज़र आ रहा है। अब आ नजर यहाँ आ के लिए तो ए है, आ है, डबल ए है, सिंगल ए है, लेकिन यू तो नहीं है, यू से तो वो होता है। हिंदी के अगर शब्द की बात की जाए तो पंजाब या बंगाल वर्ड को देखिए, जैसे बंगाल लिखते हैं तो बंगाल के लिए क्या लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी ई एन जी ए एल। अब बताइए ई से भला क्या होगा, ई से ए, ई से ए उच्चारण होगा, यही उच्चारण होगा ना, तो क्या बंगाल पढ़ें, बंगाल पढ़ें, बंगाल या बंगाल लोग बोल देते हैं बंगाल बोलने के लिए, लेकिन जब लिखने की बात आती है तब बंगाल ही लिखते हैं हिंदी में। तो ऐसा क्यों करना हम आपको हमें, या पंजाब इस तरह से लिखते हैं, पंजाब थोड़ी लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया। और चूँकि इंग्लिश में यू को भी अ बोलते हैं और ई को भी अ बोलते हैं, इसीलिए ये दोनों चीज़ें, यानी कि ई को अ बोला गया है और यहाँ पर देखिए ई अ का बोला गया, लेकिन ई ई देखिए अन है तो एन होना चाहिए, लेकिन ई एन उन्होंने लिख दिया था तो बन हो गया बंगाल, यहाँ पर यू को आ बोला गया है ना। तो ये चीज़ है, आपको समझ जाना होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन जैसे संख्या 36 है, 36 तो है लेकिन ये 36 के 36 व्यंजन आधे अधूरे अक्षर हैं। जैसे आधा ये क्या पढ़ेंगे, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग, सब आधा आधा अक्षर है। नीचे उन्होंने अंग्रेजी लिख दिया, ये जो अंग्रेजी है और ये अंग्रेजी भी आधा ही है, जब तक इसमें स्वर नहीं मिलाएंगे कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये क लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये लिखा हुआ है आधा क, तो अगर पूरा क लिख रहा है तो आ मिलाना होगा तब होगा क, अगर लिख अगर का लिख रहा है तो यहाँ पर आ मिलाना होगा तब होगा का, ठीक है। अगर की लिखना है छोटी की तो यहाँ पर ई मिलाना होगा तब होगा छोटी की, अगर बड़ी की लिखना है तो क्या मिलाना होगा बड़ी ई, तो इस तरह से बड़ी की, उसी के अनुसार अंग्रेजी हो जाएगा। जैसे के डबल ई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा के डबल ई की, वो बदल जाएगा के लिए के प्लस ए तब हो जाएगा के ए। तो दोस्तों कोई भी व्यंजन को ले लीजिए और उसमें जब कोई स्वर जोड़ते हैं, स्वर की संख्या 14 हो गई, तब जाकर वो एक अक्षर बनाता है। और यही इसी अक्षर में कई अक्षर को जोड़ दीजिए, 20 तक के अक्षर को जोड़ सकते हैं आप। आप देखेंगे कि हिंदी के शब्दों को या संस्कृत के शब्दों को जो कि हिंदी से मिलते जुलते ही हैं जो है शब्द बनते जुड़ते जाते हैं तब एक शब्द बनता है, शब्दों के समूह को ही वाक्य बोलते हैं। अच्छे से याद रखिए, देखिए ये तालाबश है जिनको नहीं पढ़ने आता है, मूर्धन्यश है, दंश है, ये अक्ष त्रज्ञ, अक्ष का मतलब अक्ष होता है के एस एच होता है, अब इस अक्ष का मतलब ये छ नहीं होता, इसमें भी कन्फ्यूजन है। अड़ा के लिए अड़ा जो होता है अड़ा, ये अड़ा के लिए आपको वर्णमाला के अलावा भी और भी बहुत सारे जो अक्षर होते हैं उस पर डिपेंड करना होगा। अब देखिए यहाँ पर व के लिए भी डब्लू भी, तो यहाँ कन्फ्यूजन है, अंग्रेजों ने छोड़ दिया कि भाई व ले कि वी ले कि डब्लू ले। अब लोग अपनी सहजता के अनुसार अपनी सुलभता के अनुसार लेते हैं, जो जैसा आप पसंद करते हैं वैसा लेते हैं, तो ये चीज़ समझना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सोनेंट को समझ लेंगे फिर वोवेल को समझ लेंगे। कॉन्सोनेंट क्या है, संख्या तो 21 है लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि सी को जो है क बोलते हैं, सी को जो है स बोलते हैं, चलिए स का बोलते हैं, इस बात को समझिए। देखिए सी को स जब तब बोलते हैं जब सी के साथ आई जड़ जुड़ता है, जब मतलब उसके बाद रहता है सी के साथ ई रहता है, यानी सी के जस्ट बाद आई ई रहे तब स बोलेंगे। क के से क तो होता है लेकिन क के लिए और भी लेटर जो हैं जैसे सी एच, जैसे क्रोम कैरेक्टर सी के है ना, जैसे लक वाला में, क्वेश्चन में, क्वीन में, ये सब क्या है क बताता है। क्यू से भी क ही होता है जो कि हाँ मैंने बताया वो। अब देखिए आर से र, आर से ड़,
ड़ भी होता है, जैसे गुड़, आप गुड़ लिखते हैं हिंदी के शब्द में तो ये ड़ के लिए र लिखते हैं, आर लिखते हैं, है ना। और र के लिए अगर रूप लिखते हैं रूप, तब आर जो है र के लिए क्या करते हैं, जाहिर सी बात है हिंदी के शब्द को लिखना है। लेकिन इंग्लिश में भी लिखना है, मान लीजिए रूम, तब देखिए रूम, लेकिन ये जो ड़ है ये हिंदी के शब्दों के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए टी को ट, त तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं, ये कैसे होता है, तो टी आई से स होता है, और स के लिए देखिए जो पार्ट बनते हैं टी आई ओ एन से सन होगा, और उसके बाद टी आई ए एल से सी एल होगा। अब टी यू से च होता है, तो देखिए टी यू आर ई से चर, और टी टी यू ए एल से चुअल होता है। उसके बाद देखिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अब ऐसे देखिए इन चारों पे पार्ट वर्ड बन जाते हैं, एक्शन, नेशन, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, चर्च, नेचर, फर्नीचर, चुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल, ये सब जो है वर्ड मीनिंग हो जाते हैं। अब तो ये इंपॉर्टेंट है, तो एक्स को देखिए, एक्स तो बोलते हैं, जैसे ओ एक्स लेते हैं तो एक्स उच्चारण होता है, एफ ओ एक्स करते हैं तब भी एक्स ही उच्चारण होता है, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स स्टार होता है, तब एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स को एक्स बोलते हैं, तब क्या, तो दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स से एक्स, एक्स से देखिए आप एक्सक्यूज ले लीजिए, एक्सेलेंट ले लीजिए, है ना, एक्सेलेंट, तो एक्स क्यूज ही ले लेते हैं यहाँ पर, और एक्स से एक्स का एग्जाम ले लेते हैं, जैसे ई एक्स ए एम एग्जाम। उसके बाद दोस्तों आर डी को ड द बोलते हैं, ज बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट वर्ड देखिए, ग्रेजुएट ग्रेजुएट, इसमें डी को ज बोला गया। अब जैसे जी जी को कभी ज बोलते हैं, ग ज दोनों, लेकिन कभी कभी एक ही वर्ड में दो दो आद आते हैं दोनों उच्चारण, जैसे जी ओ आर जी ई ओ यू एस, तो पहला जी ज ग, दूसरा जी ज के रूप में क्या उच्चारण होता है, गॉर्जियस, जहाँ सो गॉर्जियस, तो गॉर्जियस में हिंदी इंग्लिश का वर्ड है, तो ग ज दोनों उच्चारण होगा। अब चलिए बात करते हैं भॉवेल पे, जी हाँ भॉवेल बहुत जरूरी है, और भॉवेल का उच्चारण कैसे होता है ये समझिए। देखिए ए जो है, ए का उच्चारण जो है, उच्चारण करने का तरीका जो है चार तरह से, लोग कितने तरीके से करते हैं, तो ज़्यादातर ए को ए ही बोलते हैं ना, तो ए चूंकि उच्चारण करते हैं, बुलाते हैं ए, इस जो लिखा हुआ ए यहाँ भी सब जगह लिखा हुआ ए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वर्ड मीनिंग में जब ये आता है ए तो उच्चारण बदल जाते हैं, जो कि सिर्फ ए ही नहीं रहता है बल्कि इसके अलावा अ आ और ए भी होता है। जैसे मेडल, मेडल में ए को अ बोला गया, मास, मास में ए को आ बोला गया, मैन, मैन में ए को ए बोला गया, मेड में ए को ए बोला गया, लेकिन ये भी फिक्स है, ए के बाद जैसे ई आए तब ए का उच्चारण ए के रूप में मैक्सिमम आप देखेंगे ही। उसके बाद देखिए ई जो है, ई को, ई का उच्चारण जो है उसका पांच तरह से करता है, किया जाता है, लेकिन ई को लोग क्या समझते, ई को ई ही समझ लेते हैं, हमेशा उच्चारण करते समय लगेगा कि हर जगह ई ही बोले, ठीक है। अब जैसे देखिए वाटर में ई को क्या बोलते हैं, वाटिर नहीं वाटर, यानी अ बोल रहे हैं, पेन में क्या बोल रहे हैं, पीन नहीं ए बोल रहे हैं, पेन, पीस में क्या बोल रहे हैं, तो ई बड़ी बोल रहे हैं, और सी का जो ई है वो ई अ ही हो रहा है, तो इस तरह से ई है लेकिन सभी जगह तो नहीं। उसके बाद देखिए आई को क्या बोलते हैं, आई का उच्चारण पांच तरह से होता है, जैसे अ आ ई ई, तो यहाँ भी आई का भी उच्चारण ई होता है, यहाँ भी कंफ्यूजन है कि ई को ई तो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आई को ई क्यों बोल रहे हैं, लेकिन है वर्ड्स ऐसे ही उच्चारण किए गए हैं, तो उच्चारण करना, जैसे पीन में छोटी के रूप में उच्चारण हुआ, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो, सर्कल आपको बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन फिर भी समझ में रखना हो क्योंकि अ ही आ बन जाते हैं। उसके बाद देखिए ओ को क्या बोलते हैं, ओ का उच्चारण भी चार तरह से होता है, और यहाँ पर सब क्लियर क्लियर उच्चारण अलग अलग हो जाएंगे, आपको मिलेगा जैसे अ आ उ ओ सभी उच्चारण मिल जाएंगे, जैसे एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, अप्रूव या टुडे भी लिखते हैं, मान लीजिए प्रूव है तो ओ का उच्चारण क्या होता है, बड़ी ओ के रूप में, या टोन देखिए टोन, टोन में ओ का उच्चारण टी ओ नी टोन, टोन में या स्टोन, टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। तो ये दोस्तों ओ जो है बहुत ही समझ से आपको याद रखना होगा, जैसे ठीक है सम, अबाउट, प्रूव, टोन। उसके बाद देखिए यू जो है, यू को, यू का उच्चारण करने का तरीका कितना है, ये भी चार तरह से है, और जैसे ओ अ आ उ और यू, जैसे देखिए बी यू टी बट, है ना, बट, बट में यू को क्या बोला गया अ, जबकि पी यू टी पुट देखने में तो एक ही जैसे है लेकिन उच्चारण ऊ हो रहा है, ऊ हो रहा है। तो इस, अगर इस तरह के भ्रम से बचना है तो आप ज़्यादातर वर्ड्स को सुने और देखेंगे क्या पढ़ा गया है, उच्चारण में क्या हो गया।
इसके अलावा दोस्तों यू यू को ट्यून में यू को यू बोला गया, तो अलग उच्चारण है। चले अब देखिए यही जो अ है जो आ के रूप में कन्वर्ट हो गए, कुछ कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषाएं अलग अलग बोली जाती है तो लोग उच्चारण वश अ को आ पढ़ देते हैं, ये होता है क्योंकि एक्सेंट की समस्या। जैसे इंग्लिश अंग्रेजों में जो अंग्रेज जो इंग्लिश बोल रहे हैं क्या इंडिया में भी करेक्ट वो नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ का बोली और वहाँ का बोली में बहुत ही फर्क पड़ जाता है क्योंकि एक्सेंट ही अलग अलग है और ये सब जलवायु की वजह से होता है। डबल ओ को देखिए क्या बोलते हैं, तो अ आ उ ओ ई उ ओ। अब देखिए दोस्तों एस डबल वन सून में डबल ओ का उच्चारण उ के रूप में हो रहा है, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है फ्लड, उसके बाद एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। इसी ओ को उ ओ के रूप में भी लोग बोल उच्चारण कर देते हैं तो समझ में आता है कि भाई वो कैसे। तो चलिए देखेंगे और समझेंगे कहाँ पर क्या उच्चारण हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों समझिए इस बात को कि अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए, सर्च कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या अब है 1.2, 1200 के आसपास वीडियो है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना चाहते हैं या है ना या शुद्ध शुद्ध लिखना या फिर बोलना शुद्ध शुद्ध कुछ भी कैसे भी बोले कुछ भी लिखे कैसे भी लिखे, ऐसा नहीं कि फिक्स सेंटेंस है तो फिक्स ही तरह से कुछ भी एक ही बात को कई तरह से घुमा फिरा कर लोग बोलते हैं और बोला जाता है। तो आपको भी ऐसे ही सीखना होगा कि एक ही बात को कई तरह से लिख सकें, एक ही बात को कई तरह से बोल सकें, है ना। सब कुछ ग्रामर के अनुसार जो ग्रामर को रूल अनुसार सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। तो चलिए अब अंग्रेजी पढ़े कैसे इस बात को देखिए टेक्स्ट के थ्रू, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की। जी हाँ, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है ये समझिए दोस्तों। पहले तो मैं यही कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो देख रहे हैं कि टी आई ओ एन जो सन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप इस कॉलम दोनों जो कॉलम है हिंदी इंग्लिश वाला और इसमें ये जो है आप उसको कॉपी कर लीजिए यानी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। लिखने का यहाँ एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेगा, यहाँ मैंने लिए एक एग्जाम्पल। जैसे टी आई एन को क्या पढ़ेंगे, सन, टी आई एल को सी एल, टी यू एल को चर, टी यू एल को चूअल, पी आर ओ को प्रो, एस आई एन को सन भी पढ़ेंगे और जनी पढ़ेंगे, एल ओ जो एल ओ जी वाई को लॉजी पढ़ेंगे, टी आई को टीव, आई एस को इज, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, ए जी को एज पढ़ेंगे। अब देखिए वर्ड यहाँ पर देखिए ई एन को एन पढ़ेंगे, सी एन को कन पढ़ेंगे, सी एन को कम पढ़ेंगे, ई आर को आर, टेंट, अल, ई एल, शिव, एंस, एंस, एन और एस्ट। अब देखिए कैसे ये सन है तो यहाँ देखिए नेशन में सन है, इसेंशियल में देखिए यहाँ सी एल भी है और सेन भी जो कि इधर है सेन, मेंटेन। देखिए नेचर में यहाँ चर आ गया जो कि इधर लिखा हुआ है, फैक्चुअल में यहाँ चुअल आ गया, यहाँ देखिए प्रो भी आ गया और यहाँ जन भी आ गया, तो प्रो भी है जन भी है, इंटरमिशन का शन यहाँ आ गया और इन भी है टर भी है। फिर देखो इको भी एक पार्ट है, लॉजी भी एक पार्ट है, दोनों आ गया, एक भी पार्ट है, टी भी पार्ट है, इज भी देखिए एक पार्ट है, यहाँ टेड भी एक पार्ट है और सी ए भी एक पार्ट है, इन भी पार्ट हो गया, यहाँ देखिए टेड एक पार्ट है, लिंकेज में एज पार्ट हो जाता है। अब कंज्यूमर में देखिए कन भी एक पार्ट है और ई आर लगा हम कहते मर भी पार्ट है, यहाँ कम भी पार्ट है, टर भी पार्ट है। देखिए ओ को आ बोला गया लेकिन डब्ल्यू के साथ लगा ई आर तो वर हो गया, इम भी पार्ट है और टेंट भी पार्ट है, टेंट देख रहे हैं, सन देखिए अल भी दोनों आ गया, ई एल हो गया पार्ट, देखिए कॉम्प्रीहेंसिव चार पार्ट एक वर्ड बन गया। तो अगर पार्ट को याद रखेंगे तो पढ़ना ईजी हो जाएगा, जहाँ लोग फंसेंगे और नहीं फंसेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ज़्यादा प्रैक्टिस का। इसके लिए मैंने लास्ट में रखा है मैंने कि कैसे आप पार्ट्स को आप पढ़ सकते हैं या वॉवेल्स को आप अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। देखिए इम भी एक पार्ट है और टेंस के जो टी का अलग और टेंस भी एक पार्ट हो गया, ई एन सी भी एक पार्ट है, प्रे भी पार्ट है, तो यहाँ प्रे जेंस पढ़ा गया, एन जैसे मेन, यहाँ रेन, ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं, तो वी लगा तो वेस्ट हो गया, आर लगा तो रेस्ट हो गया। उसके अलावा दूसरे पार्ट पर चलते हैं क्योंकि 62 वर्ड्स हैं, कम से कम ये 62 याद रखेंगे तो आप 90% तो बहुत ही करेक्टली पढ़ सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अब इस दोनों कॉलम को याद रख मतलब कि कर लीजिए, एक्चुअली लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेकर, और जरूरी है इसको याद करना, अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ओ डब्ल्यू को तो ओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं, जैसे एल के साथ लगा ओ डब्ल्यू तो लो हो गया और एन के साथ लगा तो ना हो गया। अब भाई अलग अलग उच्चारण क्यों किया जा रहा है, तो भाई ऐसे ही उन्होंने किया तो आपको भी ऐसे करना होगा। अब जैसे के एन ओ डब्ल्यू करते हैं तो अब उच्चारण यही नाव जो है नो के रूप में बदल जाता है क्योंकि यहाँ के लग गया, एस वाई को जैसे यहाँ एस ए वाई ए वाई ए वाई, तो डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा मे, एस लगा से, ए टी को पढ़ते हैं एट, तो एट 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 सब जगह है, तो मैट रैट कैट दैट, ए टी ई को पढ़ेंगे एट, जैसे एट एट एट, केट रेट मेट, पी देखिए मेट रेट केट, अब देखिए पी आर ई को बोलते हैं प्री प्रे,
तो ये देखिए प्रीफिक्स, यहाँ देखिए प्रेजेंट, ई एन टी एस इसके साथ लगाते हैं, इसको जा बोलते हैं तो प्रेजेंट हो गया। अच्छे से दोस्तों देखिए अस को, यहाँ देखिए अस लास्ट में है, लेकिन क्या और भी पार्ट नहीं है? कन भी एक पार्ट है, पढ़ना था कंटिन्यू, टीन्यू पढ़ना था, कंटिन्यूअस। अभी कल एक पार्ट होता है, चर एक पार्ट होता है, कल्चर, आइट आइट आइट, एन लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा फाइट। अब देखिए एक है, यहाँ देखिए ई डबल एस को बोलते हैं एक्सेस, यहाँ देखिए लेस, एल जो यहाँ साइलेंट होता है, साइलेंट लेटर को भी समझना होगा, यहाँ पर कई है साइलेंट, मैं दिखाऊंगा। ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, एस लगा सॉन्ग, एमोंग है ना, ऑन को याद रखिए। उसके बाद देखिए एस यू आर को श्योर, श्योर पढ़ते हैं, जरी पढ़ते हैं, यहाँ पर श्योर पढ़ा गया, लेजर में जर मिल जाएगा। ट्री है तो यहाँ देखिए ट्री एक पार्ट है, कन भी एक पार्ट है, कंट्रीब्यूट, अगर डी लगा दे कंट्रीब्यूटेड तब डेड भी, टेड भी एक पार्ट हो जाता है ना, कंट्रीब्यूटेड। इको तो एक पार्ट है ही, लॉजी भी एक पार्ट है, कन भी एक पार्ट है, ई आर एन, ई आर एन अर्न पढ़ते हैं, सी लगा सर्न हो गया, कंसर्न हो गया टोटल, अगर टी के साथ रहता था टी आर एन टर्न हो जाता है ना, टर्न। तो ई आर बहुत इंपॉर्टेंट है, उक है, उक है, लुक टुक हो गया, ऑनली में देखिए, देखिए ओ डब्ल्यू उक उक, तो टी है टुक, एल है लुक, हुड, बहुत सारे बर्ड बन जाते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, तो ऑनली हो गया, ये एडवर्ब, जहाँ भी एल वाई देखें किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में तो वो समझिए कि वो एक एडवर्ब है। उसके बाद देखिए सी ओ को बोलते हैं, को ओपेरेशन, सन भी एक पार्ट है, इंग, कोई भी एक्शन वर्ड में आएंगे इंग जुड़ता है, पुलिस के भी देखिए सी को सब बोलते हैं, काम में एल जो है साइलेंट है, ठीक है, काम, लॉज में जो जो है डी को साइलेंट रख सकते हैं, हालांकि डी को भी ज बोलते हैं, जी को भी ज बोलते हैं, शाइन में जी साइलेंट है ना, अब ये क्यों चैन करेंगे ना, तो सीखने तो नहीं पढ़ेंगे, सी जी से तो ग होता है उच्चारण में, आप देखते होंगे कि भाई जी से ग उच्चारण किया जाता है, लेकिन ये ग तो है नहीं, ए बी सी डी में ग का तो नहीं है, तो ग लेकिन ग तो बोलते हैं, तो सिग्न थोड़ी पढ़ेंगे, साइन, ठीक है, लेकिन अभी सिग्नेचर रहता तब तो सिग्न को सिग जी को ग ही उच्चारण वहाँ करते हैं सिग्नेचर में। अब चलिए कुछ एक और पार्ट देखते, इस पार्ट को देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ई एन टी को एंड, ई एम को एम, इम, ए बी एल को एबल, डी आई एस को डिस, सी आर ई को, सी यू आर ई को क्योर, ए आई एम को इम, ओ एन डी को ऑन बोलते हैं, जैसे ओ एन को ऑन, ओ ऑन, ई जन, ई बल, ई एक्स को एक्स या एग, यूनी या यूनाई, ऐसे ई एन टी को एंड बोलते हैं, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, इम्प्लॉयड, ई डी एन एम्प्लॉयड, कम्फर्टेबल, फिर देखिए डिस कम्फर्ट, पी आर को प्रो बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट, इम देखिए इम बैलेंस, उसके वो डी कॉन्ट बोलते हैं, लगा फाउंड, एस लगा साउंड, ऑन है तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ओ एन ई को ऑन बोलते हैं, टी लगा टोन, पी आर लगा प्रोन, डी आर लगा ड्रोन, ईक, ई है तो लीक हो गया, टी हो गया, आर ई को री, आई जी आई को जन, रीजन, आई ई बिल को ईबल बोलते हैं, सीवल हो गया, ई एन को एन, एस लगा शेन हो गया, ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो एक्सचेंज, ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो एग्जाम, यूनी और यूनिसाइकिल, ये यूनाइट दोनों उच्चारण हो रहे हैं। अगर क्या आप चाहते हैं आप बताइए, एक बात मैं आपसे, एक मेरा प्रश्न है कि क्या डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मान लीजिए कि एक लाख, कम से कम मान लीजिए ज़्यादा भी वर्ड मिल जाएंगे, एक लाख वर्ड है, तो क्या आप सभी एक लाख वर्ड्स को पढ़ते रहेंगे क्या? जी नहीं, उसको ऐसा नहीं करना है, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जो कि 62 ही है, और भी आपको मिलेंगे जब हमारे से प्रैक्टिस करेंगे तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लेंगे। तो देखिए पढ़ना तो आ ही जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, मतलब बताया गया कैसे उच्चारण करना है, दूसरा इसके स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, इसके लिए लिखने स्पेलिंग याद करने की झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जैसे आप हिंदी के शब्दों को लिखते हैं वैसे ही। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ वर्ड काम करता है, लेकिन क्या वाकई में काम करता है या नहीं करता है, वोवेल का जो उच्चारण है उसकी क्या क्या ज़रूरत है, वोवेल का उच्चारण का प्रैक्टिस करना जो कि लास्ट मैंने रखा है, तो इसके लिए आपको समझना ये होगा कि वाकई में है। जैसे मैं बोल दूं कि ए को आ बोला जाता है तो भाई प्रूफ भी तो करना होगा ना, तो देखिए लार्ज, लार्ज में ए को आ बोला गया, अब ई को आ बोलते हैं तो जी जी लगा हुआ, लार्ज ही में ई जो अ बोला गया, अब देखिए ई आर एन अर्न है, डी लगा डर्न हो गया, तो ई आर एन मैंने बताया था कंसर्न में, टर्न में, तो ये भी समझ आया, आई एस ईज है, सब ये पार्ट है, तो इस पार्ट को यहाँ मैं बताऊँगा, सर्कल करूँगा, आपको देखते रहना है कि वाकई में ये सब चीज़ है और कहाँ क्या बोला जाता है। तो घुमा फिरा कर जो है जो वोवेल, कॉन्सोनेंट और स्वर व्यंजन के अंग्रेजी ही आपको पढ़ने में काम आएंगे, लेकिन उसका भी एक निचोड़ है कि भाई पार्ट टू वर्ड याद कर लीजिए और वोवेल्स को, जो कि आपको बहुत जल्दी पढ़ना सिखाएगा, जैसे देयर, देयर आर,
सम ऐसे पढ़ते हैं, आ आर नहीं आर, लेकिन लोग इंडिया है आर ही बोलेंगे। सम में ओ को आ बोलते हैं, है ना, ई को भी आ बोलते हैं। सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट, ई एन टी कैन एस लगा तो मेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द पी आर ओ प्रोडक्शन सन हो गया इज इन फ्रैगमेंटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, स्मॉल यूनिट्स विच कैटर, ई आर को आर टी तो लगा तो टर हो गया, टू द मेजर, ओ आर को आर जे लगा जर हो गया, ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री एज अ रिजल्ट, रिजल्ट मेनी ऑफ आवर एस्पिनर, एस्पिनर ई आर को आर एन लगा नर, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपेरल, अपेरल एक बार ई है तो एक वचन एक रूप में, अपेरल गारमेंट ई एन टी क्वेंट एम लगामेंट, मैन्युफैक्चर टी आई को चर बोलते हैं, हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक सपोज इसको ज बोलते हैं, दैट यार्न इज सोल्ड एट रुपीज 85 पर के जी, इफ इट है यहाँ तो इट लिख लीजिए, इफ इट इज सोल्ड एज अ ट्राउजर इसको ज बोलते हैं, ई आर लगा तो जर हो गया, ट्राउजर इट फेचेस रुपीज 80 पर 800 पर के जी, वैल्यू इज एडेड, ई डी लगाया डी लगा डेड हो गया तो एडेड एट एवरी, है ना, एवरी एवरी स्टेज, एज को याद रखिए स्टेज, एज अगर सिंगल है उसके बाद सीधा वोवेल आया तो सीधा एस को एस पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, स्टेज एस इंग्लिश वाला वर्ड स्टेज, फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, एक भी एक पार्टी होता है फैब्रिक एंड टू गारमेंट्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, देखिए इम भी पार्ट है पोर भी पार्ट है टेंट भी पार्ट, इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग, इंग हो गया यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज, ऑल दो वी हैव मेड, एक के बाद ही है मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज, देखिए इंक्रीज इंक्रीज ई ए को ई बोलते हैं तो यहाँ पर यह है, इसको जब बोलते हैं इंक्रीज इन द प्रोडक्शन जन है ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन 301.5 लाख बेल्स ऑफ 170 केजीज ईच ड्यूरिंग, इंग है ड्यूरिंग 2015-16 द नीड टू इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इज स्टील फेल्ट पावर सप्लाई इज इरेटिक इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी, देखिए नीड्स टू बी अपग्रेडेड अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रो, प्रो एक पार्ट है ई एस बी पार्ट है इसी लगा से प्रोसेसिंग सेक्टर सेक्टर्स इन पार्टी पार्टिकुलर। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरह से पढ़ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है फिर से इस वीडियो को मतलब इस स्लाइड को देखिए और जरूरी है आप देखिए जो वर्ड्स हैं वो भी देखिए 12 लेटर वर्ड है, लग्जुअल लग्जुलियन नाइट तो नाइट है, लक्स तो बोलते हैं लक्स साबुन आपने देखा है लक्स सॉप्स लक्स तो लग्जुली ए नाइट लग्जुलियनाइट लग्जियर लग्जरियंसेज लग्जरियंटली और इसका देखिए लग्जरिएटिंग लग्जरिएटिंग हो गया उसे के लग्जरिएशंस उसका देखिए लग्जरियसली असली हो गया लग्जरियसली हो गया लीकैंथ्रोपे लीकैंथ्रोपी लीकैंथ्रोपी लिच नो स्कोप लाइकोपोडियम्स अम्स को याद रखिए लाइकोपोलिटन उसके बाद इसको लॉन्ग लॉन्ग सोरिंग्स देखिए लिम्प
लिम्फोब्लास्ट हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, देखिए लिम्फोसाइटिक, जो पढ़ेंगे हमारे साथ कम से कम उनको तो इतना तो पढ़ने आएगा ना किस तरह के वर्ड्स भी होते हैं, लिम्फोग्राम्स, लिम्फोकाइंस, लिम्फोनोडस, लिम्फोपेनिया, लियोफिलाइजर और लियोफिलाइजेज ला, देखिए लॉन्ग समनेस। तो ये है दोस्तों एक वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं। दूसरा स्लाइड देखिए लियोजॉर्प्शन, लिरिकलनेस, लाइसेनकोइट्स, लीसेजेनेटिक, लाइसोजेनाइज्ड, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग तरह से बोले जा रहे हैं। तो भाई कम से कम इतना तो होगा कि आपको इस तरह के वर्ड्स पढ़ने आएंगे। देखिए रियल में जो पढ़ते हैं वो तो ज़रूर हमारे साथ है और हमारी मेहनत को वो ज़रूर सम्मान देते हैं और जो सीखेंगे भी, जी हाँ गारंटी का सीखेंगे। देखिए आगे पढ़ते हैं लाइसोजेनाइज्ड और लैक्वर्स। यहाँ देखिए लाइसोजेनाइज्ड लिथ्रेसियस, लेवेनोटेशंस, लेवियोडेंटस, लेबोरेटरीज। नेक्स्ट देखिए लेब्राडोराइट्स हो गया, लिवी रेंथाइन, लैक्रीमेटर्स, लैक्रीमोजली और लैक्रीमोसिटी। लास्ट है लैसिनिएशंस। दोस्तों ये है वर्ड्स जो कि आपने देखा। अब देखिए बात करेंगे कि कैसे जो है प्रैक्टिस करना। जी हाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने कुछ वर्ड्स लिए, आपको क्या करना है 200 वर्ड्स लीजिए, कम से कम 200 ले लीजिए, ज़्यादा लेंगे तो और अच्छी बात होगा। प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे कुछ वर्ड्स आप कॉपी पे लिख लीजिए और एकदम सेम टू सेम नहीं वर्ड्स लिख लीजिए सीरियल में, और उसके बाद जो है आप ये वोवेल जो है सारा वोवेल्स लिख लीजिए कॉपी पे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या आज तक जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जानता है तो जरूरी है उन वर्ड्स को लिखना। अगर वर्ड्स लिख लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि कंपनी में लिखा, कंपनी में एक उच्चारण क्या हुआ भाई, तो आ हुआ। सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ सॉल्ट। केयर में एक उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ केयर। मैप में एक उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ मैप। उसके परफेक्ट में दो ही है, पहला ही का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ परफेक्ट। फेक्ट वाला जो उच्चारण है ई, उसका उच्चारण एक रूप में हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में बड़ी के रूप में हो रहा है। टेन में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है टेन। एस आई एस आर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। उसके बाद एल आई लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है लाइन। एस ओ एन सन में ओ को क्या बोल रहे हैं, सोन थोड़ी बोल रहे हैं, सन यानी अ हो रहा है। आउट में ओ को आ बोल रहे हैं आउट। प्रूव में ओ को ऊ बोल रहे हैं बड़ी ऊ। और मोटो में दो है, एक एम के साथ दूसरा टी के, दोनों में ओ को वही बोल रहा है, बोला जा रहा है। बट में यू को आ बोला गया है और पुट में यू को ऊ बोला गया है, ठीक है। जबकि ट्यून में यू को ई यू बोला गया ट्यून। उसके एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, फ्लड में डबल ओ को अ फ्लड, या आप देखते होंगे ब्लड है ना। तो ये है कि अ हो रहा है और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हो रहा है। हालांकि फ्लोर भी आप देख सकते हैं फ्लोर, तो डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है फ्लोर। दोस्तों आपको क्या करना है, 200 वर्ड ले लेना है और इसी तरह से 10 दिन 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस करना, ज़्यादा नहीं 20-20 वर्ड को लेकर, और 11वें दिन आप खुद देखेंगे कि कैसे आपने आज तक जो पढ़े हैं जो वर्ड्स, उसके आधार पे आप कोई भी वर्ड्स को पढ़ना लिखना सीखेंगे। बहुत ही हाँ, जैसा आप हिंदी बोलेंगे वैसा, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आपको। ये एक तो दो शर्त होगी वर्ड्स लेने के बाद कि भाई आपको वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट लिखने होंगे, दूसरा कि उसका उच्चारण पहले से आपको करेक्ट हो, जो आप जानते हैं। ऐसा नहीं आप कोको कोला लिखते हैं, स्प्राइट लिख लीजिए, लिम्का लिख लीजिए, है ना,
बेड लिख लीजिए, मान लीजिए कार लिख लीजिए, मोबाइल लिख लीजिए, ऐसे ही वर्ड्स ले रहे हैं जी। और अब इसका तो उच्चारण गलत नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग भी गलत नहीं लिखेंगे। अब उसको देखिए कि आप जो भॉवेल्स उसको क्या क्या पढ़ा गया है। लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट को भी, आपका कॉन्सोनेंट स्वर व्यंजन भी याद रखना ही होगा। दोस्तों इस वीडियो में ये तक बताइए, ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम ओमनीसेंट है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ, और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद ठंक, जो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान के अपना धन्यवाद ठंक, धन्यवाद सर।